नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक भारत को देगा $1 बिलियन, मतलब $1 अरब। पूरी दुनिया में नोवल कोरोना वायरस महामारी से हो रही तबाही पर लगाम लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कई देशों को आपातकालीन वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 अरब इमरजेंसी फंड देने का वायदा किया है। इसके अलावा विश्व बैंक ने दुनिया के 25 देशों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है, मतलब इंडिया के साथ साथ 25 और कंट्री को वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा, जो कि तकरीबन है $1.9 अरब का वो 25 कंट्री को फंड जाएगा। दोस्तों आगे वर्ल्ड बैंक ने कहा, विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं का पहला सेट $1.9 अरब का है, जो दुनिया के 25 देशों की आर्थिक मदद करेगा। आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा $1 अरब की राशि भारत के लिए मंजूर की गई है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की इस वित्तीय सहायता से देश में बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला की चार्ज, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए आइसोलेशन वार्ड बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को भी मिलेंगे $20 करोड़। भारत के अलावा विश्व बैंक ने साउथ एशिया में पाकिस्तान को $20 करोड़, अफगानिस्तान को $10 करोड़, श्रीलंका को $12.68 और मालदीव को $73 लाख की सहायता की मंजूरी दी है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक सभी देशों की सहायता कर रहा है कोरोना वायरस से निपटारा पाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।